देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के बाद एक और टॉपिक मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज किया अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का तरीका। मीटर ब्रिज में नाम में ही क्लियर है, एक है मीटर और एक है ब्रिज। ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड, और मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ और व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो बेस होता है उसे मीटर ब्रिज कहा जाता है। आइए कंस्ट्रक्शन समझते हैं। मीटर ब्रिज में आपके पास में देखिए स्टूडेंट, यहां पर कंस्ट्रक्शन में ए बी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ। अब हमने क्या किया, यहां पर दो एल शेप स्ट्रक्चर, ये एल और ये आई शेप स्ट्रक्चर, इसके बीच में एक्स मतलब अननोन रेजिस्टेंस और आर दैट मींस रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया, ए के इस पार्ट को हायर पोटेंशियल सेल से कनेक्ट किया, यहां पर की के है, इसे क्लोज और ओपन किया जा सकता है, और ये आरएच है। आरएच मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है। सेंटर पोजिशन को सी, इस आई के सी पोर्शन से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है, तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन है टू डिटेक्ट वैल्यू ऑफ करंट। करंट को डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर ने किया, और इसका दूसरा एंड हमने जॉकी से कनेक्ट किया है। जॉकी क्या कहलाता है, तो मूवेबल की इज कॉल्ड जॉकी। जॉकी के मूवमेंट से हम नल पॉइंट को फाइंड करेंगे। आइए एक बार फिर पहचान करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखिए ए और बी दो पॉइंट आपको मिले हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट आपके पास में बी। सी और डी पॉइंट वापस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, सी और डी पॉइंट। ए और बी के बीच में चेक कीजिए, ए और सी के बीच में चेक कीजिए, अननोन रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं एक्स। सी और बी के बीच में चेक कीजिए, इसे मैं कहता हूं आर। ए और डी के बीच में चेक कीजिए, ए और डी के बीच में, तो यह है रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। और बी और डी के बीच में चेक कीजिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी, इसके बीच में सी से डी के बीच में कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर, और इसका कनेक्शन है वापस से वही सब कहानी जो पूछी मैंने आपको बताई थी, प्लस माइनस। आइए बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में अंडर बैलेंस कंडीशन क्या होगा। अंडर बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा तो एक्स बाय आर दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ए डी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच बी डी, ऐसा लिखा जा सकता है, ए डी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच बी डी। चलिए समझते हैं कैसे फंक्शनिंग कैसे हुई। शुरुआत में हमने की क्लोज की, वेरिएबल रेजिस्टेंस सेट किया, ईएमएफ लगाया। ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हायर, छोटा वाला मतलब नेगेटिव मतलब जीरो। तो ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल को कंपेयर करें तो ए हायर पोटेंशियल पर है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा करंट। अच्छा करंट फ्लो हुआ, हमने मूवेबल की मदद से ए से बी की तरफ शिफ्टिंग की, ए से बी की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आप गए, हायर पोटेंशियल से आप लोअर पोटेंशियल गए। जब आप हायर से लोअर की तरफ गए, मूवमेंट्स हुए आपके, तो एक पॉइंट इस जगह पर ऐसा मिला जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, वो पॉइंट है डी। तो ए से डी तब आप जब गए, टच करते 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 वो पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई। इस लेंथ को एलएक्स कह दी, इस लेंथ को एलआर कह दी, दिस लेंथ इज एलएक्स, दिस लेंथ इज एलआर, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आर एडी, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आर डीबी या आर बीडीबी कह सकते हैं। अब आइए समझते हैं, यहां वायर कनेक्ट था तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आर ए टू डी, रो लेंथ फ्रॉम ए टू डी क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ फ्रॉम ए टू डी को यहां पे कह रखा है एलएक्स अपॉन आर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। रेजिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, बी टू डी हम बात करते हैं, तो B से D की हम बात करें तो B से D के बीच में लेंथ है आपके पास में LR क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दोनों को डिवाइड कर दो तो आर ए डी डिवाइड बाय आर डी बी, ये हो गया रो LX अपॉन A, रो LR अपॉन A, रो से रो कैंसिल, A से कैंसिल, आर ए डी अपॉन आर डी बी, ये आ चुका है आपके पास LX अपॉन LR। सो जैसे हमने LX अपॉन LR की वैल्यू पुटअप की तो क्या होगा, x इक्वल टू आर
एलेक्स अपॉन एल आर, थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा। हमने क्या किया, हमने फंक्शनिंग कैसे की, हमने क्या किया ईएमएफ कनेक्ट किया, क्या किया की को क्लोज किया, उसके बाद क्या किया ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, इसमें से हमने हमारी रिक्वायरमेंट का सुटेबल रेजिस्टेंस निकाला। वो रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम एक्स निकालना चाहते हैं, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस आर्म को लेफ्ट आर्म कहा गया है, इस आर्म को राइट आर्म कहा गया है, लेफ्ट आर्म में क्या कनेक्ट किया, तो लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वैल्यू हमने निकाली, जो रेजिस्टेंस हमने पुट आउट किया, उसकी वैल्यू हम पहले जानते हैं। ये वायर कनेक्ट किया, वायर का लेंथ है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, उससे रेजिस्टेंस निकाला, इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू मिली। तो ये भी एक बार वापस से बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट पर, इसे हम इजीली समझ पा रहे हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते समय कुछ बातों की एरर हमसे हो जाती है, और वो एरर क्या होती है, तो पहले एरर होती है ए और बी को जब आप वायर को यहां पे सोल्डर करके ज्वाइंट करते हो, तो ज्वाइंट करने पर मेटल कॉन्टैक्ट डेवलप होते हैं, और उन कॉन्टैक्ट के कुछ रेजिस्टेंस आते हैं जो कि यहां पे इंक्लूड नहीं किए गए, पहली गलती ही हो जाती है। दूसरी, देखिए ये वायर यूज कर रहे हैं आप, यहां से यहां तक वायर, तो वायर क्या होता है, कई बार उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता है, हो सकता है कई जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, कई जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अफेक्ट हुआ मतलब रेजिस्टेंस अफेक्ट हो जाएंगे, तो हमसे दूसरी गलती कई बार ये भी हो जाती है कि हम वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं ले पाते। कई बार तीसरी गलती ऐसी भी होती है कि जो LX और LR वैल्यू जो पर्सन मेजर कर रहा होता है, देखने वाला, वो बराबर तरीके से देखता नहीं है, प्रॉपर तरह से ऑब्जर्वेशन ना लेने के कारण जब LX और LR की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली आंसर चेंज होने वाला है। अच्छा, एरर तो सुन ली, आपके मन में अब ये भी आ रहा होगा कि सर मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कैसे किया जाए, एरर कैसे कम किया जाए, तो पहली बात क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टेंट देख लेना। दूसरी बात, अब क्या करना, पहले लेफ्ट आर्म में एक्स कनेक्ट किया, राइट आर्म में आर कनेक्ट किया, अब उल्टा करना, राइट आर्म में एक्स कनेक्ट कर देना, लेफ्ट आर्म में आर कनेक्ट करना, फिर से एक्सपेरिमेंट करना, फिर वैल्यू निकालना, चेक करना। तीसरा तरीका मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का, आप आर की वो सुटेबल वैल्यू निकालो, आप R की वो सेटेबल वैल्यू निकालो जिससे LX की वैल्यू आपको 33.33 या L by 3, 100 by 3 मिले, मतलब लोअर थर्ड वैल्यू, वन थर्ड वैल्यू आपको LX की वैल्यू मतलब बैलेंस पॉइंट मिले इस पॉइंट से, ये आपको निकालने की जरूरत होती है। आइए LY नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां पे देख सकते हैं आप LX प्लस LR इक्वल टू आपके पास 100, तो LR आ जाएगा 100 माइनस LX, इसे आप लिख सकते हैं 66.66 सेंटीमीटर, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने दोनों बातें सीख ली, या तो इस तरफ से 33 सेंटीमीटर या थर्ड लेंथ हो, या LX की वैल्यू ऐसी हो कि 66.66 सेंटीमीटर हो, ताकि LR की वैल्यू 33.33 सेंटीमीटर मिल जाए। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे परसेंटेज एरर कम होगा, परसेंटेज एरर की वैल्यू कम होगी इसलिए यह बात की जाती है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर भी हम लगभग समझ चुके हैं मीटर के बीच के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स की फंक्शनिंग को देखेंगे, पोटेंशियोमीटर की फंक्शनिंग को देखेंगे। Academy, Main Branch, Prabhat Chowk, MJ College Road, Lokmanya Hospital च्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँकेशेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।